हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून बेटे। बेटे कल आप आर्टिकल किया सैक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। सैक्स डिटरमिनेशन के अंदर अपने तीन मैथड्स डिस्कस किए, इफ यू रिमैंबर, ठीक है। कल आप रेगुलर क्लास भी डिस्कस किया एंड आप ऑनलाइन वाली क्लास के अंदर भी डिस्कस किया सैक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। लिंकेज क्रॉसिंग ओवर तो बाद नैक्सट आर्टिकल शुरू किया सैक्स डिटरमिनेशन। सैक्स डिटरमिनेशन दे आपां तीन मैथड्स डिस्कस किए सीगे, इफ यू रिमैंबर, कल दी क्लास दे अंदर ही। एक आपां ने डिस्कस किया सीगा द फर्स्ट मैथड विच वॉज एनवायरमेंटल सैक्स डिटरमिनेशन, जिदे अंदर आपां ने तीन फरदर डिस्कस किए सीगे कि एग दे साइज़ दे उपर डिपेंड करदा सैक्स ऑफ द ऑरगैनिजम, एंड फिर आपां ने डिस्कस किया सीगा टेंपरेचर, इनक्यूबेशन टेंपरेचर। फिर एक आपां ने डिस्कस किया सीगा कॉन्टैक्ट विद द फीमेल्स, ठीक है। फिर आपां ने डिस्कस किया सी नॉन क्रोमोसोमल सैक्स डिटरमिनेशन, जिवें आपां बैक्टीरिया दे अंदर प्लाज्मेट वाला टॉपिक सीगा, जिहड़ा कॉन्जुगेशन ट्यूब फॉर्म हुंदा, कॉन्जुगेशन ब्रिज, नॉन क्रोमोसोमल सैक्स डिटरमिनेशन, कॉन्जुगेशन ब्रिज फॉर्मेशन। एंड देन वी हैव इज द क्रोमोसोमल सैक्स डिटरमिनेशन, जिदे अंदर आपां ने कई डिस्कस किए सीगे कि फीमेल्स ने जड़ियाँ वो भी सैक्स ऑफ द चाइल्ड डिसाइड कर सकदियां ने, ठीक है। आपां ने क्या किया, असीं ह्यूमन दा आपां हमेशा एक एग्जाम्पल मन के चलते हैं कि ह्यूमन दे अंदर फीमेल्स ने जड़ियाँ वो होमोगैमेटिक ने, बट कुछ दे अंदर फीमेल्स ने जड़ियाँ वो हेटरोगैमेटिक भी हो सकदियां ने, जिदे अंदर आपां कई एग्जाम्पल्स लई असीं एक्स 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 वाई जेड 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 डबल्यू एक्स 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 जीरो डिस्कस किया सी या एक्स ओ डिस्कस किया सीगा आपां ने, तो आपां ने किया सी क्रोमोसोमल सैक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। अज बेटे आपां इहदे अंदर ही कुछ एक डेफिनेशनस ने, मतलब एक छोटे छोटे दो तीन आर्टिकल्स ने, जिवें जीनिक बैलेंस है, वी हैव इज द सैक्स क्रोमेटिन है, डोसेज कॉम्पनसेशन है, ठीक है। तो ये आपां डिस्कस करांगे अज, अज छोटी जी क्लास ही लगावांगे, क्योंकि फिर अगला आर्टिकल है जिहड़ा वो ये नाल नहीं करांगे, उन्हों आपां सेपरेट ही करांगे, ठीक है। तो ये अंदर अपने को दो तीन छोटिया छोटिया डेफिनेशनस ने, प्रोबेबली अज अपनी क्लास भी छोटी जी ही होगी, क्योंकि मैं चाहनी हाँ कि वो सैक्स डिटरमिनेशन वाला आर्टिकल कंप्लीट करके नैक्सट आर्टिकल आपां नैक्सट क्लास के नाल ही स्टार्ट करांगे, ठीक है। तो अपने को केड़ा आर्टिकल है बेटे, फर्स्ट हैपलो डिप्लॉयड मैकेनिज़म ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन, ठीक है। हैपलो डिप्लॉयड मैकेनिज़म ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन, या जिन्हों हैपलो डिप्लॉयड ही कह देंगे, हैपलो डिप्लॉयडी या हैप्लॉयड डिप्लॉयड मैथड ऑफ सैक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। दैट इज ऑल्सो नोन एज हैपलो डिप्लॉयडी। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर की होंगे, लाइक हनी बीज, हनी बीज दे केस दे अंदर की आ जाता है बेटे, उन्हां दे अंदर ना बड़ा अजीब जा मैकेनिज़म हुंदा कि जिहड़ी फीमेल हुंदी है ना वो डिप्लॉयड हुंदी है तो विद 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, एंड जो मेल हुंदा वो हैपलॉयड हुंदा है, दैट इज़ वाई द फिनोमिनन इज हैपलो डिप्लॉयड, क्लियर। तो मेल है जिहड़ा वो की है, हैपलॉयड है, मेल दे कोल 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ने, फीमेल दे कोल 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ने, ठीक है। दिस इज़ फीमेल एंड ए मेल, फीमेल नू आपां कह दिंदे आ क्वीन बी, इहदे अंदर मेल नू आपां कहिंदे आ ड्रॉन्स, क्लियर। जिहड़ा मेल है ना वो जदों गैमीट्स प्रोड्यूस करदा है तां ओह माइटोसिस करूगा, क्योंकि जे उहनें मियोसिस कीती तां उहदा नंबर हाफ रह जूगा जो नहीं चाहुंदा, तां मेल है जिहड़ा वह माइटोसिस दे नाल गैमीट्स फॉर्म करदा, दो सैल्स फॉर्म करदा जिहदे अंदर 16-16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होणगे। जो फीमेल है ये मियोसिस करती है, चार एग्स ने जड़े वो प्रोड्यूस होए 16 16 16 16, जिमें इना चो दो ने मेटिंग की, क्योंकि ये को दो ही नंबर है ना, तो दो अपने को आ गया, दिस इज इना दोनों ने फर्टिलाइजेशन की, इन्होंने फर्टिलाइजेशन की। जदों फर्टिलाइजेशन होई बिटवीन मेल एंड फीमेल, तो फीमेल्स प्रोड्यूस हो गया, नैक्सट जनरेशन विल बी फीमेल। जदों बिना फर्टिलाइजेशन तो जड़े आ बचे, ये बिना फर्टिलाइजेशन तो ही मेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं,
दैट इज दे बोथ विल प्रोड्यूस द ड्रोन्स. ठीक है, ड्रोन ड्रोन दोनों इकट्ठे हो गए. द मेल्स आर हैप्लॉइड इन सच ए केस एंड फीमेल्स आर डिप्लॉयड. मेल्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन एंड सच फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द पार्थिनोजेनेसिस. क्लियर है? यानी कि कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर जिहड़े मेल्स ने वो हैप्लॉयड ते फीमेल्स डिप्लॉयड भी हो सकदियां ने. सच ए मैथड ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन इज नोन एज द हैप्लो डिप्लॉयडी. क्लियर है बेटा जी? तो छोटा जा ही आर्टिकल है बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये अंदर अपने को पार्थिनोजेनेसिस भी आ गया जो कि आप यूनिट वन के अंदर प्लांट्स के केस च पढ़ के आए थे. उत्थे मैं सिर्फ एग्जाम्पल दिती सी कि हनी बीज के अंदर भी पार्थिनोजेनेसिस होंगी है, लेकिन अज आप ने उन्हों देख लिया कि इस फिनोमिनन जो कि हनी बीज के अंदर, बीज के केस के अंदर, वैस्प्स के केस के अंदर या एंट्स के केस के अंदर जो फिनोमिनन होंगे वो यह होंगे, दैट इज कॉल्ड एज द हैप्लो डिप्लॉयडी मैथड ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन. क्लियर? नेक्स्ट वी हैव इज द जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन. ठीक है, छोटी जी थ्योरी है जीनिक बैलेंस थ्योरी ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन. एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं दिती हुई, दैट इज़ गिवन इन आवर बुक्स जो अपने को हेल्पिंग बुक्स ने, तो इनू जस्ट अंडरस्टैंडिंग लिए तुम समझना है. ठीक है बेटे, क्योंकि कई बार जेडे बच्चों ने फरदर कोई एग्जाम देना है उन्होंने ये कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाता है. जीनिक बैलेंस थ्यूरी का की मतलब है बेटे? बेसिकली ना ये एक गल निकल के आऊगी, वो मैं थोड़ा पहले भी दस दिनी हाँ नाल भी दसूँगी. जीनिक बैलेंस थ्यूरी का मतलब की है? जीनिक बैलेंस का मतलब नाम तो ही क्लियर है कि जीन्स ने जेड़े उन्होंने अंदर बैलेंस होना चाहिए. क्लियर? हूँ इतने जो मेन फोकस पॉइंट है ना, दैट इज़ द एक्स क्रोमोसोम. क्लियर? दैट इज़ द एक्स क्रोमोसोम कि ना जो एक्स क्रोमोसोम्स का नंबर है ना वो डिसाइड करता है कि हाउ विच काइंड ऑफ द सेक्स यू हैव. जिहड़ा वाई है ना, वाई इहदा निचोड़ दस रही हाँ बेटे, इहदा एंड पॉइंट दस रही हाँ. जिहड़ा वाई क्रोमोसोम है क्योंकि वो मेल्स च प्रेजेंट है, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज़ प्रेजेंट ओनली इन मेल्स, मेलनेस लई रिस्पोंसिबल. क्लियर? यानी कि जो बेसिक फीचर्स ने वो कितों दी आने ने, एक्स क्रोमोसोम तो आने ने, ते जेड़ा अपना वाई क्रोमोसोम है वो की है, यानी कि इट मीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ मेलनेस है दैट इज़ नॉट कंट्रोल्ड बाय द वाई क्रोमोसोम बट इनस्टेड जेड़ा एक्सप्रेशन है दैट इज़ प्रेजेंट ऑन द एक्स क्रोमोसोम. द वाई इज द टेस्टीज डिटर्मिनिंग फैक्टर, फर्टिलिटी लई रिस्पोंसिबल है वाई, बाकी सारे फीचर्स लई कौन रिस्पोंसिबल है, एक्स क्रोमोसोम रिस्पोंसिबल है. क्लियर? नाउ हूँ आ जाओ, अगर आप एक फीमेल की गल करते हैं, फीमेल मान लो किसी फीमेल की बॉडी के अंदर, जिहड़ी भी फीमेल की आप गल कर रहे हैं वो अंदर जिहड़ियां ऑटोसोम्स ने, आपां नूं दो सैट्स मान लें ना, जिवें आप कहने 46 क्रोमोसोम्स ने तो आप कह दें 23 23. ठीक है, अगर आप कही ऑटोसोम्स की गल करिए मेरे को 22 22 दे दो सैट्स हो गए ना. आई हैव इज़ द टू सैट्स ऑफ 22 22 एंड दो मेरे को एक्स एक्स प्रेजेंट है. दो सैट्स हो गए ना, टू ए मतलब मैं की लिखता, ए का मतलब हो गया मेरे को सोमैटिक क्रोमोसोम्स ने जिहड़ियां वो किन्नियां ने, आई हैव इज़ टू ए. ठीक है, मेरे को एक्स एक्स किन्ने ने, वो भी मेरे को दो ही ने ना, दो एक्स एक्स ने. अगर मैं इनू एवें लिखता दो एक्स एक्स ते आ भी दो, अगर मैं इन्हों डिवाइड करा 2 by 2 तो अपने को की आ गया, 1 आ गया ना. यानी कि जिहड़ी 1:1 है, 1 दैट विल मेक अ फीमेल अ परफेक्ट फीमेल. जीनिक बैलेंस किन्ना होना चाहिए इन द रेशो 1, किदी रेशो होनी चाहिए है, द रेशो ऑफ योर सेक्स क्रोमोसोम्स टू द रेशो ऑफ योर सोमैटिक क्रोमोसोम्स. यानी कि सोमैटिक क्रोमोसोम्स ते सेक्स क्रोमोसोम्स का जिहड़ा रेशो है वो किन्ना आना चाहिए अपने को, 1 आना चाहिए. और उन्होंने आप एवें भी लिख सकते हैं ना, दैट इज़ द रेशो ऑफ आर सेक्स क्रोमोसोम्स इज टू द रेशो ऑफ आर सोमैटिक क्रोमोसोम्स, 1 आना चाहिए. ठीक है, इन केस ऑफ मेल, क्योंकि आप सिर्फ एक्स कंसीडर करांगे, ओनली एक्स. अगर आप मेल की गल करिए अपने को हो गया एक्स वाई, इनू एवें लिख लो क्योंकि डेफिनेशन वाइज आप कहने रेशो ऑफ योर सेक्स क्रोमोसोम्स इज टू रेशो ऑफ योर सोमैटिक क्रोमोसोम्स. मेल द केस हो गया एक्स वाई प्लस 2a, सेम है 22 22, एक अपने को एक्स एंड वाई. आप किनू कंसीडर कर रहे हैं जी, आप कंसीडर कर रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम, तो 1 by 2
इट इज डिवाइडेड करके अपने को रेशो कितना आ गया 0.5, यानी कि मेल्स के अंदर ये रेशो 0.5 है तो जीनिक बैलेंस वो अंदर है तो परफेक्ट मेल है, फीमेल के अंदर 1 है तो परफेक्ट फीमेल है, ठीक है 1:1 वाली, ठीक है। तो ये जी थ्योरी है कैलविन ब्रिजेस ने 1926 के अंदर दिती सी, इन्हें क्या सीगा इंस्टेड ऑफ एक्स वाई क्रोमोजोम जिहड़ा सैक्स है वो जीनिक बैलेंस और रेशो होना चाहिए कि एक्स क्रोमोजोम का तो ऑटोसोम्स का, ठीक है जिहड़ा सैक्स है दैट शुड बी सैक्स ऑफ द सेक्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म शुड बी द रेशियो ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स एंड योर ऑटोसोम्स, ठीक है जो तुहाडे एक्सेस ने एंड तुहाडे ऑटोसोम्स ने वो डिसाइड करनगे, उन्हां दा रेशियो डिसाइड करूगा वेदर यू आर ए परफेक्ट फीमेल और ए परफेक्ट मेल। तो मेल दी बॉडी दे अंदर जीनिक बैलेंस थ्योरी दे अकॉर्डिंग 0.5 आना चाहिए वो परफेक्ट मेल है, फीमेल दे अंदर ए 1 आना चाहिए, ठीक है। अगर किसी दे अंदर 3x है, लेट्स से आप एक और एग्जाम्पल 3x ने किसी फीमेल, अगर वो दे अंदर आ चीज 3a ही है, 3a है सोमैटिक क्रोमोसोम्स, तो वह रेशो 1 आ गया तो भी वो परफेक्ट हो गया, परफेक्ट जीनिक बैलेंस है अकॉर्डिंग टू द जीन्स, ठीक है। हुन अगर देखो ये चीज़ वेरी करती है, मतलब अगर मेल है मेल दी बॉडी दे अंदर अगर आप कही 1 आ हो गया 0.5, अगर आ रेशो मिसमैच होंगी है यानी कि ये रेशो कितने इन बिटवीन लाई कर जाती है या ये तो नीचे चली जाती है 0.33 हो जाती है तो वह परफेक्ट मेल नहीं होंगे, उन्होंने आप कह दें वी कॉल दैम एज मैटा मेल्स और सुपर मेल्स, क्लीयर है। अगर किसी की बॉडी के अंदर किसी मेल की बॉडी के अंदर अपने को रेशो हो जाता है, दिस रेशो इज एक्स प्लस 3a हो गया, ठीक है 3 सैट्स हो गए सोमैटिक क्रोमोसोम्स के, 1 सैट हो गया नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम का, द रेशो कम्स टू लाई बिटवीन 0.33, द सच काइंड ऑफ द मेल्स आर कॉल्ड एज द मैटा मेल्स। अगर वो इस तो भी डिक्रीज चली गई तो दे विल बी द मैटा मेल्स, ठीक है। हुन अगर अपने को आ गया कि अगर अपने को फीमेल दे केस च 1 तो अबव चली जाती है, ये रेशो 1 तो बियॉन्ड चली 1.5 होगी, तो सच फीमेल्स आर कॉल्ड एज द मैटा फीमेल्स और सुपर फीमेल्स। जेडे एवें दे मैटा मेल्स एंड मैटा फीमेल्स ने, क्योंकि उस साइंटिस्ट ने ना ड्रोसोफिला दे उपर जिहड़ा है एक्सपैरिमेंटेशन किया इस चीज़ का, तो उन्होंने उन्हों का साइज वो नॉर्मल सके बट उन्हों का साइज नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल नालों ज्यादा सीगा, ठीक है जी मैटा मेल्स एंड मैटा फीमेल्स, ठीक है। तो उन्होंने जीनिक बैलेंस है जेड़ा वो हिल गया, फीमेल का जीनिक बैलेंस 1 होना चाहिए सीगा 1.5 हो गया, अगर तो अगर मेल का जेड़ा रेशो है वह 0.5 होना चाहिए सी, अगर वो 0.33 हो गया तो सच इज कॉल्ड एज द मैटा फीमेल एंड मैटा मेल, ठीक है जी। अगर रेशो इन्हों दोनों के विच आ जाती है इन्हों दोनों के 0.5 एंड 1.5, हूँ तो आपने गल की 0.5 तो इधर तो 1 तो उधर, ठीक है। अगर इतने आ गया तो सच विल बी इंटरसैक्सिस, इंटरसैक्सिस मतलब उन्होंने को मेल एंड फीमेल दोनों क्वालिटीज़ प्रेजेंट होनगियाँ, यानी कि कुछ एवें दियाँ हनी बी उन्होंने हनी बीज नहीं ड्रोसोफिला देखे जिन्हों के अंदर हाफ बॉडी इज लाइक द फीमेल एंड हाफ बॉडी विल बी लाइक द मेल, मतलब एक पंख है जिहड़ा वो फीमेल की तरह छोटा है एक पंख मेल की तरह बड़ा है, तो एवें का फिनोमिनन भी हो सकता है जिन्हों के अंदर जीन्स का लेवल है जिहड़ा वो डिस्टर्बड होए, ठीक है जी। तो सच आर कॉल्ड एज द इंटरसैक्सिस, इंटरसैक्सिस मतलब उन्होंने अंदर कुछ सैक्शुअल एबनॉर्मैलिटीज़ ने जिहड़ियां वह होनगियां, क्लियर। तो मैटा मेल मैटा मेल मैटा फीमेल नॉर्मल मेल अगर विचाले वाला रेशो आया तो मेरे को आ गया इंटरमेल और वी हैव इस द इंटरसैक्स जिन्हों आप कहते हैं इंटरमेल इंटर फीमेल यानी कि इंटरसैक्स, क्लियर। तो अपने को ग्राफिकल लाइन बन गई, अगर ये तो इधर चला गया 1 वाला नॉर्मल है 0.5 नॉर्मल है, विचाले आ गया तो इंटरसैक्स है, 1 तो बियॉन्ड चला गया तो मैटा फीमेल है, 0.5 तो बियॉन्ड चला गया तो मैटा मेल है, ठीक है जी क्लियर। तो मैटा मेल मैटा फीमेल तो हो गए कि उन्होंने अंदर नॉर्मल सेक्सुअल रेशोज़ ने जिहड़ियां वो नहीं हैगियां वो नॉर्मल नालों साइज बड़ा होगा, जिहड़ा इंटरसैक्स होगा वह की होगा वो अंदर मेल फीमेल दोनों के एबनॉर्मल फीचरस ने जिहड़े वो प्रेजेंट होंगे। एक चीज़ आप कल भी डिस्कस कर ली सी कि मेल्स के अंदर मेलनेस लई की रिस्पोंसिबल है, यानी कि जो उन्होंने अंदर
वी कैन से टेस्टीज नू डिटरमिन करता है वो फैक्टर सिर्फ वाई क्रोमोसोम के उपर प्रेजेंट होंगे क्लीयर। हूँ देखो हूँ इतने एक नवी थ्यूरी अराइज हुई साइंटिस्ट सिगा बार ठीक है तो जीनिक बैलेंस थ्यूरी क्लीयर होगी बेटे जो कि थोड़े सिक्स क्रोमोसोम्स का रेशियो है कि रेशियो है सिक्स क्रोमोसोम्स का थोड़े नॉर्मल ऑटोसोम्स के नाल रेशियो है ठीक है। अगर वो रेशियो बैलेंसड है तो नॉर्मल मेल नॉर्मल फीमेल प्रोड्यूस होंगे, अगर वो रेशियो बैलेंसड नहीं है तो वो मैटा मेल मैटा फीमेल या इंटरसेक्सेस ने जेड़े वो पैदा होंगे ठीक है। नेक्स्ट अपने को बेटे वी हैव इज द बार एंड बर्ट्रैम दो साइंटिस्ट ने उन्होंने एक थ्यूरी डिस्कवर की सी दैट इज नोन एज द थ्यूरी ऑफ डोसेज कंपनसेशन ठीक है। वट इज डोसेज कॉम्पनसेशन डोसेज कॉम्पनसेशन है कि आप हने कह रहे हैं मैं एक जी अपनी पिछली थ्यूरी ना कंटीन्यूशन ली हाँ कि मेल के अंदर जोड़ा वाई है वो टी डी एफ है टेस्टीस डिटर्मिनिंग फैक्टर तो वाई सिर्फ टेस्टीस डिटर्मिन कर रहा है बाकी वो सारे फीचरस कि उपर प्रेजेंट ने एक्स क्रोमोजोम के उपर प्रेजेंट ने बाकी सारे कि उपर प्रेजेंट ने एक्स क्रोमोजोम के उपर प्रेजेंट ने फीमेल दे कोल दो एक्सेस ने तो जो एक्सप्रेशन इतने एक एक्स दे रहे हैं मेल की बॉडी के अंदर फीमेल की बॉडी नू की वो दो एक्सेस चाहिए ने नो इको ही एक्स अपने सारे फीचरस देने लिए अगर वो मेल च रिस्पोंसिबल है तो फीमेल के अंदर भी दे सकता है ठीक है। तो उन्होंने की ऑब्जर्व किया उन्होंने की किया बेटे एक एक्सपैरिमेंट किया सेक्स क्रोमेटिन उन्होंने ऑब्जर्व किया ठीक है। वट दे हैड सीन इज उन्होंने चीक सैल्स के उपर एक एक्सपैरिमेंट किया उन्होंने देखा कि सैल्स के अंदर ना एक चीज़ है जो कि डार्क स्टेन लेंदी उन्होंने सैल्स नू स्टेन किया ठीक है। नॉर्मल सैल्स नू स्टेन किया उन्होंने देखा कि सैल्स के अंदर एक डार्क कलर की बॉडी दिखती है आप जिमें मैथ के अंदर कह दें ना कि कोई चीज़ नहीं पता फाइंड आउट करनी है तो वो एक्स है उन्होंने भी उन्होंने एक्स ही नाम देता ठीक है। एक सैल है उन्होंने क्या बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट जेडे सैल्स के उपर असं एक्सपैरिमेंट कर उन्होंने ह्यूमन चीक सैल्स लए सके ह्यूमन चीक सैल्स के कोल उन्होंने क्या न्यूक्लीयस के कोल एक डार्क बॉडी है जी वो प्रेजेंट है। वट इज़ दैट डार्क बॉडी वी डोंट नो बट वी कॉल दैट एक्स ठीक है। लेटर ऑन उन्होंने डिस्कवरीज की एंड दे फाउंड दैट कि वो डार्क बॉडी इज इनएक्टिवेटेड एक्स इन द बॉडी ऑफ द फीमेल ठीक है क्योंकि उन्होंने फीमेल दे सैल्स लए क्लीयर तो कुछ एवें उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे डार्क सैल्स दिखे से क्लीयर। तो उन्होंने लेटर ऑन डिस्कवर देखा पूरा का पूरा फिनोमिनन देखा कि फीमेल की बॉडी के अंदर आउट ऑफ द टू सैक्सिस आउट ऑफ द टू एक्सिस नॉट द सैक्सिस आउट ऑफ द टू एक्सिस बर्थ तो बाद आपे ही एक एक्स हर सैल के अंदर इनएक्टिवेट हो जाता है वन सैक्स विल बी इनएक्टिवेटेड क्योंकि एक एक्स इज सफिशियंट क्योंकि अगर वो मेल की बॉडी के अंदर सारा कुछ डिटर्मिन कर रहा है तो फीमेल की बॉडी के अंदर भी कर सकता है अगर दोनों एक्सेस एक्टिवेट हो जाएंगे तो एक्सप्रेशंस एक्जरवेट कर जाएंगे ठीक है। तो एक एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है तो वो कहते हजे तक ये नहीं पता कि वो एक्स मदर वाला एक्स होंगे या वो एक्स फादर वाला होंगे और रेंडम होंगे रेंडमली कोई भी एक्स इनएक्टिवेट हो जाता है वो एक्स एक्टिवेट भी होंगे एवं नहीं है कि वो एक्टिवेट नहीं होगा दैट विल एक्टिवेट बट ओनली एट द टाइम ऑफ द गैमीट फॉर्मेशन ठीक है। गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पर ये एक्स है जोड़ा ये एक्टिवेट होंगे क्योंकि अगली जनरेशन के अंदर आप इनएक्टिवेट सैल नहीं भेज सकते ना कि एक एक्स इनएक्टिवेट सी एक एक्स एक्टिवेट सगा जो एक्स के अगर इनएक्टिवेट मिल गया तो फीमेल ही नॉर्मल नहीं बनेगी यस और नो। तो उदो एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन वो जोड़ा इनएक्टिवेटेड सैक्स एक्स सगा वो अपने आप एक्टिवेट हो जाता है नैक्सट जनरेशन के अंदर एक्टिवेटेड एक्स जाता है बट जो दोनों एक्स एक्स कट्ठे हो जाते हैं ठीक है। द नैक्सट जनरेशन गर्ल बनती है तो उन्होंने दोनों चो रेंडमली एक एक्स है जोड़ा वो अपने आप इनएक्टिवेट हो जाता है। इनएक्टिवेशन ऑफ वन एक्स आउट ऑफ द टू एक्सिस सो एज टू कंपनसेट द बॉडी ऑफ ए फीमेल सच फिनोमिनन इज कॉल्ड एज द डोसेज कॉम्पनसेशन ठीक है जी। तो डोसेज कॉम्पनसेशन का मतलब हिटरोक्रोमेटाइजेशन ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम इन द बॉडी ऑफ द फीमेल इट इक्वलाइजेज द एक्स लिंक्ड जीन्स इन द
टू सेक्सिस, ठीक है, नहीं तो फीमेल दे अंदर डबल एक्सप्रेशन होंगे, मेल दे अंदर भी तो एक्स अपने एक्सप्रेशन दे रहे हैं ना, फिर फीमेल दे अंदर तो डबल एक्सप्रेशन होने से, तो नेचर ने अपने आप ही की किया एक एक्स का हेट्रोक्रोमेटाइजेशन, यानी कि उन्हें इनएक्टिवेट करता, एंड सच फिनोमिनन इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट बार, तो उन्हें अपने नाम से ही यह नाम रखता कि जोड़ा एक्स इनएक्टिवेट होंगे उन्होंने आप बार बॉडी या एक्स क्रोमेटिन कहेंगे, ठीक है जी। तो दिस इज अबाउट द एक्स क्रोमेटिन और सेक्स क्रोमेटिन, और वी कैन से इज द डोसेज कंपनसेशन और द बार बॉडी। इट्स इंपॉर्टेंट, पेपर के अंदर दो नंबर से डेफिनेशन भी पूछी जाती है, वट डू यू मीन बाय द डोसेज कंपनसेशन, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि डोसेज कंपनसेशन की होंगे, इस फिनोमिनन नो क्यों डिस्क्राइब किया जाता है, क्लियर है बेटा जी। तो हूँ अपने को है बेटे एक होर चीज़ दसूँगी, वी हैव इज द डिसजंक्शन। डिसजंक्शन की होंगे, डिसजंक्शन एक छोटी जी डेफिनेशन है बेटे, नॉन डिसजंक्शन, डिसजंक्शन एंड नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन एक फिनोमिनन होंगे माइटोसिस के अंदर, ये सारिया चीज़ा आप अगे चाहिए आनगियाँ जो आप अपनिया जनैटिक डिसऑर्डरस पढ़ा उदो आप जरूरत पेगी। नॉन डिसजंक्शन टर्म है, नॉन डिसजंक्शन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन। डिसजंक्शन टर्म का मतलब होंगे क्रोमोसोम्स का विचालों की ब्रेक होना, ठीक है, डिसजंक्शन, ठीक है। उदे नाल की होंगे जिमें मियोसिस के अंदर है तो पूरे पूरे आप कहने 23 23 23 23 आ जाते हैं, यस। अगर मान लो आ सिचुएशन ही होंगी है ना, आ एस्टर रेज हो गया, आ एना फेज है मियोसिस के अंदर, दिस इज क्रोमोसोम, दिस इज क्रोमोसोम, इस सेंटर चो ब्रेक हो जाता है, नॉर्मल सेल की गल कर रही हूँ, डिसजंक्शन आई एम टॉकिंग अबाउट इज डिसजंक्शन। आ देखो आ इधर चला गया, सपोज आप सैल ही बना लें डायरेक्ट, आ न्यूक्लियस ऑफ वन सैल हो गया, आ न्यूक्लियस ऑफ एन अदर सैल, चार सैल बनाने हैं ना अपने, तो अपने को हो गया वन इज दिस सैल, आ दोनों इस सैल च आ गई, आ दोनों इस सैल च आ गई, ये हो गया डिसजंक्शन, टुटिया क्रोमोसोम तो इक्वली दो सैल्स के अंदर चलिया गई। नॉन डिसजंक्शन की होंगे बेटे, नॉन डिसजंक्शन का मतलब होंगे जदों जिहड़ियां ओह क्रोमोसोम्स साइनैप्सड ने वो दोनों सैपरेट ना होन पान प्रॉपरली, यानी कि आही चीज़ देखो, आही चीज़ है सैपरेशन नहीं हो पाई, अगर मान लो प्रॉपर सैपरेशन नहीं, एदी तो होगी इतों की सैपरेशन, एदी नहीं हुई, इस सैल के अंदर आ पूरा आ गया तो एदा हाफ आ गया, इत्थे की आया इक्को ही आ गया, ये दोनों एबनॉर्मल सैल्स बन गए। अगर मान लो ए फीमेल दी बॉडी दे अंदर एबनॉर्मल बनया एग, अगर ये नेक्स्ट नाल मेटिंग हुई तो भी एक एबनॉर्मल बच्चा पैदा होगा, थोड़े को क्लियर है कि मेरे को तीन एक्स हो जाए या दो एक्स एक वाई आ जाए, क्लियर। दिस इज नॉन डिसजंक्शन की जदों एट द टाइम ऑफ मियोसिस क्रोमोसोम्स ने जदों सेपरेट होना सी एक दूसरे तो उन्होंने सेपरेशन प्रॉपरली नहीं हुई, वो जुड़िया जुड़िया क्रोमोसोम्स ही एक सैल के अंदर ही चलिया गई, दूसरे सैल के अंदर या तो कुछ आया ही नहीं या हाफ आया। सच सिचुएशन इज कॉल्ड एज द नॉन डिसजंक्शन। अगर नॉन डिसजंक्शन होंगे तो ही जनैटिक डिसऑर्डरस ने जोड़े वो होंगे ने, ठीक है बेटा जी। तो नॉन डिसजंक्शन की हो गया, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ने जड़िया वो ड्यूरिंग एना फेज वन ऑफ मियोसिस वन सेपरेट ही नहीं हो पाई, तो दैट इज कॉल्ड एज द नॉन सेपरेशन और नॉन डिसजंक्शन, जिदे नाल नैक्सट जनरेशन के अंदर एक फॉल्टी एग फॉल्टी स्पर्म फॉर्म होगा, जो कि नैक्सट जनरेशन के अंदर डिजीज ऑरगैनिजम फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करेगा, हेल्प नहीं हैगी वो एक्चुअली दे अंदर, दैट इज़ द डिजीज्ड केस है जेड़ा वो फॉर्म हो जाऊगा, दैट इज़ कॉल्ड एज नॉन डिसजंक्शन। क्रोमोसोम्स का प्रॉपरली सेपरेट आउट ना हो पाना, वो कई रीजनस हो सकते हैं, उस टाइम पर फोर्सिस प्रॉपरली नहीं लगियां, थोड़ी बॉडी के अंदर कोई एवें दी मेडिसिन खाई है तुसी जिदे करके सेपरेशन नहीं हो पाई, तुसी स्ट्रेस के अंदर हो जिदे करके मियोसिस प्रॉपरली नहीं हो पाई, एग या स्पर्म सही तरीके दे नाल नहीं बन पाया, देयर कुड बी द मेनी रीजनस ऑफ दैट कि डिसजंक्शन प्रॉपरली नहीं हो पाया, क्लियर है बेटा जी, दैट इज द डिसजंक्शनिंग। तो ये बेटे दो तीन डेफिनेशन सी गया
वन इज़ द डोसेज कॉम्पनसेशन ते एक सीगा TDF ओ आपां डिस्कस कर लिया सीगा जीनिक बैलेंस थ्योरी हैप्लॉइड डिप्लॉइड या हैप्लो डिप्लॉइड ही मैकेनिज्म ऑफ सैक्स डिटरमिनेशन ठीक है तो ये बेटे अपना सैक्स डिटरमिनेशन दी छोटिया छोटिया डेफिनेशन सीगियां हुण अपने कोल नैक्सट है नॉन अलीलिक इंटरैक्शन वो मैं ता नहीं करा रही नाल क्योंकि वो फिर मेरी सिर्फ डेफिनेशन ही हो पाऊगी आप नैक्सट आर्टिकल के अंदर उन्होंने नैक्सट क्लास के अंदर वो टॉपिक पूरी तरह ही शुरू करा दैट इज़ वाई आप अज की क्लास शॉर्ट रखते हैं सिर्फ सैक्स जिहड़ा थोड़ा कल वाला सीगा ना सैक्स डिटरमिनेशन वाला आर्टिकल आ तुसी अगर किसी ने नहीं पढ़िया होया तो इनू कंप्लीट कर लो अगर कोई डाउट है तो मैनू पूछ लियो ठीक है तो अपना कल वाला आर्टिकल सी जिहड़ा उहदे थोड़ी जे थोड़ा जिहा पोर्शन रह गया सी जो आप अज कंप्लीट कर लिया नैक्सट क्लास के अंदर आप टू जीन इंटरैक्शन है जिहड़ा वह शुरू करांगे।